अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड बी वर्जवाब नूट्यूब चैनल में आप सबको खुशीद कहता हूँ फ्रेंड्स मैथ टेस्ट के हवाले से ये इसका पार्ट थ्री अपलोड करने लगा हूँ पार्ट वन पार्ट टू का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इसके अलावा छब्बीस जो फार्मूले हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है क्वेश्चन नंबर वन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक सॉरी अलाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एक लाइन जो दायरे के मरकज से गुजरती है वो क्या कहलाती है करेक्ट आंसर जो इसमें आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है इसको डायमीटर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर दो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए माइनस बी इस वेक्टर ए माइनस बी की अददी कीमत क्या होती है तो करेक्ट आंसर जो इसमें आता है दो में ऑप्शन ए की दो प्लस बी की दो होल की जदर क्वेश्चन नंबर तीन है कि पॉइंट माइनस टू माइनस थ्री लाइज ऑन पॉइंट माइनस टू माइनस थ्रू कहाँ पर हुआ होगा तो करेक्ट आंसर जो इसमें आता है थ्री में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये इस तरह से होता है ये आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सेस इस तरह से होता है वाई वाई तो ये यहाँ पर होगा ये क्या होगा दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई माइनस होगा तो यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है इस तरह कुछ आया ये क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर चार नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फैक्टराइजेशन एक्स की फोर माइनस वाई की फोर इस तो इसका तजदीक अगर हम करें तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है कि एक्स की दो माइनस वाई की दो इंटू एक्स की दो प्लस वाई की दो ये फार्मूला है फॉर्मूस छब्बीस फार्मूलों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि ए प्लस बी इजल टू फाइव एंड ए माइनस बी इज इकुल टू सिक्स दें फैंड द वैल्यू ऑफ ए की दो माइनस बी की दो तो करेक्ट आंसर जो फाइव में आता है ये है ऑप्शन सी थर्टी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर छः को देखते हैं छः नंबर क्वेश्चन है, है मैथ का छः नंबर क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन एक्स की दो माइनस वाई की दो तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा तो करेक्ट आंसर जो इसमें आता है छ में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है एक्स प्लस वाई क्वेश्चन नंबर सेवन है कि द सोलूशन आर सेट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स एंड एक्स इजिकल टू वाई इज तो इसका क्या होगा uh, हाल सेट अगर हम इसका मालूम करते हैं तो साथ में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी आता है माइनस तीन एंड माइनस तीन ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ है कि इफ़ ए इक्वल टू ये एक तालब दिया हुआ है इसका ए मड मालूम करना है तो करेक्ट आंसर जो इसमें आता है आठ में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है ज़ीरो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन नौ नंबर क्वेश्चन है कि करिस्टेस्टिकॉक सत सौ पैंसठ पॉइंट थ्री इज तो इसका खासा क्या होगा तो प्लस टू होगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर दस की तरफ जाते हैं कि अलाइन सेगमेंट विद टू एंड्स ऑन अ गिवन सर्कल इज कॉल्ड करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है दस में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है इसको पेरामीटर कहा जाता है ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए की दो प्लस बी की दो प्लस सी की दो प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी ये फार्मूला है तो ये कौन सा फार्मूला है फार्मूलोज पर छब्बीस वीडियोज मैं अपलोड कर छब्बीस वीडियोज़ का एक फार्मूला है जिसमें छब्बीस फार्मूले हैं एक वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो ग्यारह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है ए की तीन प्लस बी की तीन प्लस सी की तीन माइनस तीन ए बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बारह बारह नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर थ्री मेट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू सी देन अगर ए बी तीन कालब हों और ए बी किस चीज़ के बराबर हो ठीक है तो बारह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है बी इज इक्वल टू सी ए तेरह नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए की दो माइनस बी की दो इज इक्वल टू थर्टी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव देन फाइव द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी तेरह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है छ चौदह नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्ल टू आर एंड एक्स वाई इज इक्ल टू फिफ्टीन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की दो प्लस वाई की दो फार्मूला है चौदह में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ मेजर ऑफ ऑफ टू एंगल्स ट्राइ एंगल आर सिक्सटी डिग्री एंड एटी डिग्री देन मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज एंग एंग तो करेक्ट आंसर क्या आता है फिफ्टीन में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है फोर्टी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सोलह नंबर क्वेश्चन है के इफ एक्स इज रेडियस ऑफ ए सर्कल देन फाइंड इट्स एरिया करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है सोलह uh, में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है पाई आर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है कि 0, का क्या कहलाएगा सतारा करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए सिंगुलर एटीन नंबर क्वेश्चन है कि नंबर वन इसका डेश आइडेंटिटी नंबर वन को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है uh, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन को देखते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ डेश लीनियर इक्वेशन जो होता है दो मतियात में एक दर्जी मसाद को जाहिर करता है किस चीज़ को उन्नीस में करेक्ट आंसर क्या आता है उन्नीस में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी uh, इसमें करेक्ट uh, आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीस नंबर क्वेश्चन के इफ ए रेशियो बी सी रेशियो डी देन ए डी ई डी क्या कहलाएगा तो ई डी बराबर होगा किस चीज के बी सी के तो करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन को देखते हैं कि एंगल इनस्क्राइब्ड इन सर्कल इज डैश एंगल तो इक्कीस में करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है राइट एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बाईस नंबर क्वेश्चन है कि कोटेंजेंट सिक्सटी डिग्री को टेंजेंट सिक्सटी डिग्री किस चीज़ के बराबर होता है ट्वेंटी टू में जो करेक्ट आंसर आता था है ऑप्शन थी वन थ्री का जजर ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है कि सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एंड थ्री एक्स माइनस वन इज इक्ल टू माइनस फाइव इज ट्वेंटी थ्री में जो करेक्ट आंसर आता था है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है माइनस वन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ यू इज इक्वल टू वन टू थ्री ये बीस तक एंड ए इज इक्वल टू एक तीन पाँच उन्नीस तक तो ए कंप्लीमेंट आपने मालूम करना है तो ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए करेंगे तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आता है ट्वेंटी फोर में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है दो चार छः यहाँ तक बीस तक आपने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और इसका पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि वन एंगल इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री एंड लेस देन वन एटी डिग्री देन दैट एंगल इज इस कॉल्ड इसको क्या कहा जाता है अगर एक डिग्री नाइन्टी से ज़्यादा हो एक सौ अस्सी से कम इसको एपटी एंगल कहा जाता है तो ये इसका करेक्ट आंसर है तो फ्रेंड का ये था इसका पार्ट वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब अपने थी उसको सपोर्ट करें तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़